When Rishi Kapoor saab died, you expressed a lot of sadness. क्योंकि आप क्लोज थी बहुत उनके. नहीं नहीं मैं बहुत क्लोज नहीं थी. आई जस्ट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन आर्टिस्ट एंड आई हैड मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स इन अ पर्सनल कैपेसिटी. नीतू आंटी हैड इनवाइटेड मी ओवर टू हर प्लेस फॉर डिनर्स व्हेन आई वाज इन बॉम्बे बिकॉज शी वॉच्ड माय ड्रामास. सो उस तरह उनके साथ काफ़ी गपशप रही और यू नो आई हैव मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स आफ्टर दैट ऑल्सो. सो आई जस्ट यू नो यू जस्ट फील दैट यू आर रीचिंग दैट एज वेयर पीपल यू हैव नोन आर passing away and that's a very that's something that that is also something I realized this year as you grow the people you've known are growing older and parents, that's also the reality of life so I think wo us tarah se mujhe us cheez ne bada effect kiya tha na. Of course we've all watched him, loved his movies, loved his songs, of course. So I think ye dono tarah se feel hua tha. So Mavra, do you think art transcends borders? See, now this is also very tricky because when I say that art should not be confined by borders, I don't mean that whatever else is happening in the world or whatever is right thing to do should not be done. So I feel that once an art form is created na, ek cheez, ek project, ek koi cheez ban gayi hai, phir aap usko borders mein na tole. Bilkul. But uske ilawa, one should do what's necessary, what's right. Sahi hai. बट यू नो अब मतलब फिल्में हैं, अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सेलिब्रेटिंग आई थिंक 25 ईयर्स आज उनका सेलिब्रेशन हो रही थी कोई, और मैं देख रही थी वो सिमरन और राज का जो रोमांस है, मुझे इट मावरा ट्रांसपोर्टेड मी टू माय चाइल्डहुड. यू नो जब वो बाऊजी ने हाथ पकड़ा होता है सिमरन का और जब वो गाय की बेल पहनी होती है उसने उस मस्टर्ड फील्ड में, यू नो वो खड़ा होता है, वो आती है. दीज आर आइकॉनिक मोमेंट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियंस और फॉर पाकिस्तानीज बट फॉर एनी वन हु वॉचेज सिनेमा. सो मेरा अपना जाती मानना यह है कि फन जो आपका होता है उसका कोई उसकी कोई लकीर नहीं होती. बिल्कुल है ना. बिल्कुल. एंड आई थिंक एनी ऑडियंस वॉचेज व्हाट दे एंजॉय. अब जिस तरह से बात के लिए फीडबैक आता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिल्कुल. अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो वर्ल्ड के किस कोने से आ रहा है. खुशी होती है कि उस कोने तक से बात पहुँचा है और किसी ने देखा है. सो इट डजंट, जिस तरह हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ऑडियंस कौन से कंट्री की है, कौन से कॉन्टिनेंट की है, आई एम श्योर ऑडियंस को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस मुल्क का है और हमें एंटरटेन कर रहा है, एंटरटेनर कौन सी कंट्री का है. बट देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो एंगल्स दैट प्ले अ रोल. सही. एंड यू नो वी आर गोना हैव टू लिव विद इट. ये एक दुनिया है जिसमें ये सब चीज़ें हिस्सा हैं इस सब का. आई नो. तो फिर आई ऑल्सो डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट. आई थिंक जो जैसा चल रहा है चलता रहे, मैं अपना रोल अच्छे से प्ले करते रहूँ. एकदम से अगर दुनिया बदलने की मुहिम पे निकल जाएंगे तो जो अपना छोटा सा रोल है जो एक्चुअली जो स्लोली स्लोली करके आप दुनिया बदल सकते हैं वो पीछे रह जाएगा. तो मिलावट अजीब सी हो जाएगी. हाँ. मावरा आजकल एक बिस्किट का ऐड चल रहा है, आपने शायद देखा हो शायद ना देखा हो. उसमें कुछ भी नहीं है, वो शलवार कमीज़ पहन के मुख्तलिफ आउटफिट्स पहन के डांस कर रही हैं और वो बैन हो गया. मतलब उसमें कुछ भी नहीं था. तो ये तनकीद क्यों करते हैं लोग और ये क्या कल्चर है इतनी तनकीद का? एक्चुअली ये कल्चर ही गलत है कि आप किसी भी चीज़ को, फर्स्टली मैंने देखा नहीं है ठीक, लेकिन कुछ भी होगा तो वो इनटॉलरेंस से बुरा नहीं हो सकता. आई फील कि ये जो सब क्रिटिसिज्म आती है या जो पूरा एक बैन कल्चर है, इट कम्स फ्रॉम इनटॉलरेंस. आई से ओके, एनी कंट्री एनी रीजन दे हैव टू ड्रॉ देयर लाइन्स, बट देन ड्रॉ लाइन्स फॉर थिंग्स दैट मैटर दे गोइंग टू, जो आपकी मुल्क को अफेक्ट करती हों, जो कुछ जिनका कोई बहुत बड़ा रीज़न हो. अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर, या चले आपको बड़ी भी लग रही है, सो आई से डोंट बी सो इनटॉलरेंट. आप लोगों को ब्रीदिंग स्पेस तो दें. आप इनटॉलरेंस से कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. तो अगर आप इनटॉलरेंट हैं तो आप कोई और बुराई कैसे निकाल सकते हैं? इनटॉलरेंस ही सबसे बड़ी बुराई है. सो मेरा पर्सनली यही मानना है. और यू नो मुझे भी कभी, मैं कोई चीज़ देखती हूँ जो मुझे नहीं पसंद आती, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, लेकिन नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, जाके उसका एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन समटाइम्स कीप आर ओपिनियंस टू आर सेल्व्स एंड लेट अदर पीपल बिलीव और लिव और ग्रो. हम किसी और की ग्रोथ शैटर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो नाउ द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप फॉर माई पसंद. वी हैव टू बी टॉलरेंट, वी हैव टू बी. मुझे जो अच्छा लगता है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट
कुछ माशरे होते हैं जहाँ टॉलरेंस ज़्यादा होती है. अब आप न्यूजीलैंड को देख लें, यू नो और भी माशरे तो वही माशरे पर तरक्की भी करते हैं. तो वो कौन सी क्वालिटी है जो टॉलरेंस को ग्रो करने देती है? क्योंकि टॉलरेंस इटसेल्फ कांट बी अ क्वालिटी ना. टॉलरेंस हैज़ टू हैव सम प्रीरिक्विजिट्स. तो कौन से माशरे हैं जो तरक्की कर जाते हैं, उनमें क्या होता है? आई थिंक वही बात है कि कुछ चीज़ों को हमने बहुत ही जिस तरह मैंने कहा कि कोई नफ़रत लेके पैदा नहीं होता, इस तरह कोई इंटॉलरेंस लेके भी पैदा नहीं होता. ये हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसको आपको और मुझे और एनीबॉडी विद अ वॉइस को एड्रेस करना पड़ेगा. मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये मेरे लिए मेरा प्राइम कॉज है, क्योंकि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं बट कम अज़ कम वो डिफाइंड हैं एज प्रॉब्लम्स, कि ये एक क्राइम हो गया या ये एक प्रॉब्लम हो गई या चोरी हो गई. या इस प्रॉब्लम का तो कोई नाम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा कि हम एज ह्यूमंस क्या बनते जा रहे हैं. एंड दैट्स नॉट जस्ट टू से कि पाकिस्तानी इज इंटॉलरेंट. बिल्कुल नहीं नहीं, हम दैट्स टू से वर्ल्ड ओवर कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि क्या हम लोग बेहतर इंसान नहीं बनना चाहते एज अ वर्ल्ड. क्या हम ग्रो ऐसे तो कुछ नहीं बचेगा कि आप एक दूसरे को अगर जीने ही नहीं देंगे तो क्या बचेगा. सो वी जस्ट हैव टू कीप स्पेस बहुत कम हो जाएगी फिर सांस लेने के लिए. तो हर किसी को अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हों, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हों या आप कहीं खेलने जाते हों, आपको ऑन अ पर्सनल लेवल टॉलरेंस, यू नो, यू विल हैव टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, विच इज़ वॉट आई एम रियली डेस्परेटली ट्राइंग टू डू. बिकॉज अनलेस वी practice it, it's not going to happen. People will only look at someone's life and try to, you know, imbibe it in theirs. बिल्कुल. आप एक चीज़ कहती हैं, हेडलाइंस में आ जाती है, और आपने अक्सर कहा है, एक दो दफ़ा कहा है कि ये अनफेयर होता है कि एक्टर्स की कॉन्टेक्स्ट में से चीज़ निकाल के लोग लगा देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि मीडिया, जो हमारा मीडिया है, इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो? एक तो ये नया कल्चर है कि कोई चीज़ ट्रेंड करी है तो उसके बारे में सबने खबर लगानी है, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट में हो या ना हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि दे हैव टू रन देयर ओन प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग. बट मैंने उसके लिए जो पर्सनल सॉल्यूशन निकाला है, ऑफ कोर्स इट्स हर्टफुल, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही सेपरेट करना पड़ेगा कि नॉइज़ क्या है और रेलिवेंट क्या है. और मुझे लगता है कि इसमें भी 2020 ने मेरी बड़ी मदद की है, बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ टू क्रिएट दोज, यू नो, कि मैं क्या क्या चीज़ें ब्लॉक कर सकती हूँ और किन चीज़ों पे मैं अपनी सेहत ख़राब ना करूँ, अपनी सोच ख़राब ना करूँ, क्योंकि वही मेरी सोच और मेरा पोटेंशियल कहीं और यूज़ होने के लिए मुझे बचाना है. सही. क्योंकि मुझे खुद को भी खुद ही बचाना है. वर्ल्ड को बचाते बचाते आप खुद घुल नहीं सकते नॉइज़ के साथ. सो आई फील कि इन एनी मूवमेंट, इन एनी सोशल, यू नो, जो भी चीज़ बात ट्रेंड करी हो या हो रही हो, उसमें कुछ थोड़ी बात इम्पॉर्टेंट भी होती है, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉइज़ दीज डेज. सो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको फ़िल्टर करके अपने दिमाग तक पहुँचाएँ, वरना दिमाग थक जाएगा प्रोसेस कर कर, और आप खुद बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे. हाँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि नॉइज़ को साइड पे कर सकूँ. आई ऑल्सो हैव बैड डेज जहाँ मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ क्रैशिंग डाउन ऑन माई हेड, लेकिन टॉक अबाउट, लेकिन कोशिश यही रहती है. और मैं लोगों को भी यही कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगियों में, चाहे वो पब्लिक फिगर ना हो, नॉइज़ को और एडवाइस को सेपरेट करने की एबिलिटी पैदा करें. दैट विल हेल्प पीपल ग्रो. What is in store for Marwara in 2021? Well, something really big, because I don't know. Inshallah. So I'm hoping something really incredible and extraordinary, because when you don't know, to tabhi they say all great things start from a big I don't know. Yeah, yeah. So really, I don't know anything this Mystery year. Mystery is where, the unknown is where all the fun things happen. Yeah. Pata nahi hota na. To kuch pata nahi hai. Abhi to bas safar ye chal raha hai ki khud ko figure out kar loon, thoda aur understand kar loon. Aur this is a new chapter for me, having my own house. That takes most of my time. Congratulations, by the way. Thank you. That takes most of my time. And then just growing older and just understanding life, that is taking I really feel like I'm sitting in front of an 82-year-old. I swear to you. I really even hope I have that much of a wisdom. But when I was your age, Mavra, like I mean, thoda bahut to hoga, but I think because you've had to deal with so much, aapne ye jo apni life philosophy banayi hui hai, it's got so much thehrao in it, because I think you've had to deal with a lot from a very young age. You know, you've been working since you were 19. I started when I was 23 after college.
बट यू स्टार्टेड आई गेस इवन बिफोर दैट. तो ये सारी बातें आपके अंदर काफ़ी मतलब एक दिहाई से चल रही हैं, यू नो. मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या हमारी एक्ट्रेसेस खूबसूरती के लिए एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं करती, मगर खूबसूरती के लिए भी करती हैं. अच्छा. और यहाँ पे भी सिर्फ टॉलरेंस की ज़रूरत है कि जो इंसान जो इंग्रेडिएंट जिस प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा है उनको खुदा का वास्ता है, करने दें. हो सकता है कुछ लोग परफॉर्म ना कर सकते हों, तो वो सोचते हों कि क्या हो गया अगर मैं खूबसूरती ही ऐड करी हूँ. और हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को उतना खूबसूरत महसूस ना करते हों, तो वो सोचते हों कि परफॉर्मेंस या character acting is everything. So I say let all kinds of people believe in themselves, let them breathe. Aur actresses or actors ya kisi industry ko is tarah ke cheezon mein tole nahi, ye it's just creating more conflict. Jab hum is tarah ki baatein sochne lagte hain, lekin jab casting decisions pe aata hai mamla, to matlab agar realistically dekha jaye, of course jaise aapne kaha sirf khoobsurti nahi honi chahiye, but of course these things matter ki uski shakal suit karegi kirdaar ko ya nahi, ya unko ek particular look chahiye, unko kashmiri ladki chahiye, unko ek aisi ladki chahiye jiske ghane baal ho, unko choti ladki chahiye. तो हमारी इंडस्ट्री में ये प्रेशर्स तो होते हैं, उनको लेके जैसे आपने कहा नॉइज़ को सेपरेट करना चाहिए अपने टैलेंट से और फिर. बट मेरा ये इंसान का इंडिविजुअल प्रेशर है. हो सकता है कि मैं ये बोलते हुए कहते हुए इनसेंसिटिव साउंड करूं जी, मगर मुझे मेरे बारे में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बट मेरे माँ बाप ने जो मेरे अंदर चीज़ वो कर दिया है, एक चीज़ जो मेरे अंदर बस गई है बचपन से, उसको आप नहीं बदल सकती. अगर मैं समझती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपका कास्ट करना मुझे बदल नहीं सकता. सो आई से ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एज वेल, बट इट्स ऑल्सो ऑन अ ह्यूमन लेवल दैट वी ऑल नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स.